गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है? दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर निकाल पाएंगे बताओ? द नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। इनफिनिट। इनफिनिट, वेरी गुड आंसर। द नंबर ऑफ The number of rational number, rational number between two integer कैसे क्यों, two rational number कैसे क्यों, ठीक है? दो rational number के बीच में कितना rational number आप निकाल सकते हो, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ रेशनल नंबर कितने होंगे ना, आंसर आप लिखोगे इनफिनाइट, ठीक है? कितना निकालोगे उतने निकलेगा। तो ये जो रेशनल नंबर निकालते हैं इसके लिए कुछ मेथड्स होती है, ठीक है? इसके लिए एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स है, उसमें से दो तीन मैंने आज आपको बताऊंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि इंसर्ट फाइव रेशनल नंबर बिटवीन, इंसर्ट five rational number between seven upon 11, eight upon 11. सुनो लो, पढ़ो। seven upon 11 और eight upon 11 के बीच में पांच rational number में दिखाना है, ठीक है? हम कैसे दिखाएंगे उसके लिए मेथड्स हम क्या क्या, मतलब क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। ये देखो, फर्स्ट आपको पता है कि द नंबर ऑफ नंबर रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर कितना है, इनफिनिट। तो बहुत सारे हैं, ठीक है? आप काउंट कर नहीं सकते, बट हमें तो सारा निकलना नहीं है। हमें पांच पूछेगा, छह पूछेगा, दस पूछेगा, ऐसे। तो एक हम करते हैं कि इंसर्ट हाई कृष्णा फाइव रेशनल number between 7 upon 11 and 8 upon 11. तो 7 upon 11 और 8 upon 11 के बीच में से पांच रेशनल नंबर हमें निकालना है, ठीक है? इसके लिए हम क्या करेंगे, जब पांच पूछता है ना, तो हम पहले देखेंगे कि जो दो रेशनल नंबर दे रखा है उसका डिनोमिनेटर क्या है, ठीक है? इसमें से डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट होती है। तो डिनोमिनेटर देखो 11 है, ये भी 11 है, यानी डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है? जब डिनोमिनेटर सेम दे के पूछता है कि पांच रेशनल नंबर निकालो या छह निकालो, सात निकालो, अब उस केसेस में क्या करोगे, सेवन अपन इलेवन है, फाइव पूछा है तो सिक्स मल्टीप्लाई कर देना है दोनों में, ठीक है? जब सिक्स पूछेगा तो सेवन मल्टीप्लाई कर देना, जब सेवन पूछेगा तो एट मल्टीप्लाई, उसे एक आगे करके मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? तो यहाँ पे फाइव रेशनल नंबर पूछा था तो हमने क्या किया ना, सिक्स मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, सिक्स सेवन जा या सेवन सिक्स जा, सेवन सिक्स जा क्या है बेटा बताओ? M42। ये इलेवन सिक्स जा सिक्सटी सिक्स। एट अपन इलेवन हम क्या करेंगे, अभी सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे 48 अपॉन में 66। फोर्टी एट अपॉन में 66। तो देखो
ये 42 अपन 66, 48 अपन 66, ये इन दोनों रेशनल नंबर में 66 66 डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर देखो 42 और 48, 42 और 48 के बीच में से कितना नंबर आ जाएगा, 43 अपन 66, 44 अपन 66, 45 अपन 66, 46 अपन 66, 47 अपन 66, तो 48 तो है, हमें तो बीच में से कितना रेशनल नंबर निकालना था, 5, ठीक है, 5, तो 5 आ गया, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है, 5 पूछा था हमने, 5 निकाल लिए, जैसे 6 पूछेगा तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 7, 8 पूछेगा तो 9, 10 पूछेगा तो 11, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 11, बट क्या ये देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है, जैसे ऐसे दे देगा 7 अपन 8, 3 अपन 7, ठीक है, ये दो रेशनल नंबर के बीच में से 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ पे हम वाली मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बात आ रही है ना समझ में, यहाँ पे डिनोमिनेटर एक एक करके सारे मेथड में आपको बताऊंगी कैसे कैसे निकालते हैं, ठीक है, जहाँ डिनोमिनेटर सेम है वहां पे हम ये वाले मेथड जो मैं अभी बताया आपको कि जितना रेशनल नंबर पूछता है उसे एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, पांच पूछा है तो 6 मल्टीप्लाई करो, 6 पूछेगा तो 7 मल्टीप्लाई करो करके इसे हम निकाल सकते हैं, ये कौन सा केस में निकाल सकते हैं ना, जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर अलग दे देगा, जैसे 7 अपन 8, 3 अपन 7 है, इन दोनों के बीच में से हम 5 रेशनल नंबर निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, देखते हैं अभी वो मेथड भी, जैसे फॉर एग्जांपल इंसर्ट 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस 3 अपन 11 1 माइनस 1 अपॉन 11, ठीक है, ये दो रेशनल नंबर दे दिया है और इन दोनों के बीच में से 5 रेशनल नंबर हमें निकालना है, तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, नो मैम, नो मैम, मैम पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम करेंगे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करते हैं ना, डिनोमिनेटर जो भी दे दिया जाएगा उसका एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम ऑफ 11 ऑन 13, 11 एंड 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 143, ठीक है, ये दोनों का एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 143 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम 143, तो अभी क्या करेंगे ना, माइनस 3 अपन 11, तो 143 लाने के लिए 11 में से कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13, जब नीचे 13 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी हम 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 143 हम लिख सकते हैं या नहीं, माइनस 39 और माइनस 11 के बीच में से 5 रेशनल नंबर लिख सकते हो या नहीं, नहीं बताओ, यस मैम, तो माइनस 38 अपन 143 एक हो जाएगा, माइनस 37 अपन 143, ठीक है, माइनस 36 अपन 143, माइनस 30 भी लिख सकते हैं, माइनस 11 टू लेके माइनस 13 के बीच में से कोई से भी 5 आपको लेना है, ठीक है, माइनस 38 ले लिया हमने 143, और एक हम ले सकते हैं माइनस 15 ले सकते हैं, माइनस 15 अपन 143, माइनस 12 अपन 143, इतना लेने के लिए जरूरत ही नहीं है, हमने तो 5 पूछा था, 5 हमने ले लिया, ठीक है, कोई से भी 5 हम ले सकते हैं, माइनस 39 और माइनस 11 के बीच में से बहुत सारे हैं, ठीक है, माइनस 38, माइनस 37, माइनस 36, माइनस 35, माइनस 34, माइनस 33, माइनस 32, माइनस 31, माइनस 30, माइनस 29, ऐसे करके अप टू माइनस 12 तक आ जाएगा ना, नहीं बताओ, ये सब नो बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ,
मैम आता है यस मैम यस मैम तो हमें yes, पांच दिखाना है कोई से भी पांच आप दिखा सकते हो यस मैम तो ये एक मेथड आपको समझ में आ गया ना जैसे डिनोमिनेटर सेम नहीं देगा डिफरेंट देगा तो उस केसेस में हम क्या करेंगे ना एलसीएम निकाल के निकाल सकते हैं ठीक है ये सेकंड मेथड था नेक्स्ट अभी हम देखेंगे थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे ठीक है ध्यान रखना एक एक मेथड एक एक एग्जांपल्स के दौरान मैं आपको समझा दूंगी ठीक है नेक्स्ट अभी हम देखेंगे कि इंसर्ट सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन ठीक है इंसर्ट सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन इंसर्ट सिक्स रेशनल नंबर between 7 upon 11 and 8 upon 11 ठीक है तो ये दोनों के बीच में से 6 रेशनल नंबर निकालना है तो फर्स्ट मेथड आपको पता है फर्स्ट मेथड मैंने क्या बताया था 6 पूछे तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो 6 पूछा है तो हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 7 मल्टीप्लाई करेंगे वो मेथड तो सबको पता है उस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं बट मैं अभी थर्ड मेथड आपको बताने जा रही हूँ आप क्या करोगे 10 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो ठीक है 10 मल्टीप्लाई भी करते हैं जैसे 7 अपन 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ऊपर हो जाएगा आपका 70 अपन 110 8 अपन 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 ये क्या हो जाएगा ये भी एक मेथड है तो तीन मेथड मैंने अभी तक आपको बता चुकी हूँ तीनों मेथड में किसी को कुछ डाउट है क्या नो मैम देखो बच्चे कितने हैं 45 बच्चे हैं आंसर दे रहे हैं दो तीन बच्चे बाकी बच्चे क्या करते हैं वीडियो देख रहे हो क्या देखो क्लास सभी के लिए मैंने यहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं ना सबको पढ़ा रही हूँ ये नहीं की चार पांच बच्चों को पढ़ा रही हूँ 45 स्टूडेंट हो तो 45 स्टूडेंट में एक भी बच्चा समझ में नहीं पाएगा तो समझ नहीं पाएगा तो मैं उसको भी समझाऊंगी यहाँ पे ठीक है फर्स्ट वाला मैम समझा दीजिए ओके वेरी गुड फर्स्ट मेथड ठीक है ये थर्ड वाला क्या था ना 10 मल्टीप्लाई करके निकालते हैं सेकंड वाला मैंने क्या बताया था ना जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है वहां पे एलसीएम निकाल के हम निकाल लेंगे रेशनल नंबर ठीक है फर्स्ट वाला मेथड क्या था फर्स्ट वाला देखो मैं अभी आपको इसी में से बता देती हूं इस एग्जांपल्स में से ही आपको बताऊंगी फर्स्ट वाला क्या था ठीक है फर्स्ट वाला क्या था जैसे पूछेगा कि इंसर्ट सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल हमने ले रखा है कि 7 अपन 11 8 अपन 11 ठीक है तो उस केसेस में हम क्या करेंगे जितना रेशनल नंबर पूछेगा ठीक है हम उसे एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है जैसे इंसर्ट सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 7 अपन 11 8 अपन 11 तो इस केसेस में हम क्या करेंगे फर्स्ट मेथड में फिर से दोबारा बता रही हूँ जब 6 पूछा है तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है 7 पूछेगा तो 8 मल्टीप्लाई करना है 8 पूछेगा तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे ये जितना पूछेगा उसे एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है और वो किस केस में मल्टीप्लाई करेंगे ना जहाँ पे देखोगे डिनोमिनेटर सेम है उस केसेस में हम ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं ठीक है तो 7 अपन 11 है
छह रेशनल नंबर पूछा है तो हम क्या करेंगे, सेवन मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों, तो सेवन सेवन जा 49 अपन 77, 8 अपन 11 है, मल्टीप्लाई करेंगे 7, ठीक है दोनों में। हम 7 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं समझ पाएगा ना, 6 रेशनल नंबर पूछा है, ठीक है जितना रेशनल नंबर पूछता है उससे 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेथड है, ठीक है। 8 7 जा 56 अपन 77, अभी बताओ डिनोमिनेटर तो सेम है 77 है दोनों में, तो न्यूमरेटर को देखो 49 और 56 इन दोनों के बीच में क्या 6 रेशनल नंबर नहीं निकलेगा, बताओ 49 के बाद क्या आ जाएगा, 50 अपन 77, 51 अपन 77, 52 अपन 77, 53 अपन 77, 54 अपन 77, 55 अपन 77, हो गया 6 रेशनल नंबर। यस मैम, बता रही समझ में तो ये था आपका क्या मेथड वन था, ठीक है मेथड वन में मैंने आपको ये मेथड बताया था, ठीक है मेथड वन मेथड टू मेथड थ्री सबको समझ में आ गया या नहीं बताओ एक बार। मैम यस मैम आ गए, यस मैम यस मैम, अच्छे से आ गए। मेथड फोर पर चलते हैं, ठीक है फोर्थ मेथड अभी आपको बताऊंगी, ठीक है फाइन। वो क्या है ना उसमें से, ये तो था आपका क्या अनलिमिटेड रेशनल नंबर हम निकाल रहे थे, ठीक है जितना भी मैंने आपको बता के आया हो जाएगा, कहीं 5 6 10 15 ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है बट अनलिमिटेड रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको पता है ना दो रेशनल नंबर के बीच में से इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, ठीक है तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसको नंबर मैं बताऊंगी अभी। ये फॉर्मूला आपका 9th क्लास में भी काम में आएगा, 10th में भी काम में आएगा, ठीक है अच्छे से समझ लेना है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में ही रखा था बताने के लिए। जैसे फाइंड फाइंड एट रेशनल नंबर, इनफाइनाइट हम निकाल सकते हैं बट इनफाइनाइट थोड़ी निकालते रह जाएंगे, पूरा पेपर निकल जाएगा, ठीक है कोशिश करते रहेंगे। फाइंड एट रेशनल नंबर या टू रेशनल नंबर, थ्री रेशनल नंबर, ऐसे कुछ पूछेगा आपसे, ठीक है सो एरन सारी बेटा। तो देखो अभी मैं आपको बस तीन रेशनल नंबर निकाल के बताती हूँ, ठीक है फाइंड थ्री रेशनल नंबर, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन थ्री एंड फोर, ठीक है तो थ्री मीन्स क्या है, थ्री अपन वन तो है, ये तो एक रेशनल नंबर है, फोर मीन्स क्या है, फोर अपन वन है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है ऑल इंटीजर्स का रेशनल नंबर यू नो दैट, तो हम क्या करेंगे इन दोनों के बीच में से तीन रेशनल नंबर निकालेंगे। जो था मेथड में आपको बताते हैं वो मेथड क्या कह रहा है ना, a प्लस बी बाई टू मेथड, ठीक है वो क्या है a प्लस बी बाई टू, कि a प्लस बी बाई टू को हम और कैसे लिख सकते हैं ना, हाफ मल्टीप्लाई a प्लस बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ये सर नो। Yes, ma'am. चीज को दो से डिवाइड करना और उसी चीज को हाफ से मल्टीप्लाई करना बात बराबर होती है, ठीक है मैम। यस मैं अपनी हम ये कैसे हम क्या वाला मैम एक बार बता दीजिए क्या है मैम ये वाला। यस मैम दोबारा बता दीजिए। हाँ ये फॉर्मूला क्या है ना, a प्लस b बाय 2, ठीक है ये फॉर्मूला है a प्लस बी बाई टू है, तो a क्या है फर्स्ट रेशनल नंबर जो दे रखा है, ठीक है b क्या है सेकंड रेशनल नंबर जो दे रखा है, जो दोनों रेशनल नंबर के बीच में से जो निकालने के लिए पूछा है उसमें से एक a है एक b है, ठीक है मैम डिजिट है ना मैम। तो मैं आपको ये बताया कि a प्लस बी बाई टू को आप कैसे लिख सकते हो, किसी भी a प्लस बी बाई टू का मतलब क्या समझते हो ना, a और b को ऐड करके दो से डिवाइड करेंगे, ठीक है यही है इसका मतलब, तो किसी भी चीज को दो से डिवाइड करना जो होता है उसी चीज को हाफ से मल्टीप्लाई करना, वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना बात बराबर होती है, ठीक है जैसे देखो एट अपन टू कितना हो जाएगा, दो से डिवाइड करेंगे फोर आ जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई एट कितना हो जाएगा, टू से डिवाइड करो फोर बराबर आया ना आंसर, ठीक है किसी चीज को दो से डिवाइड करना और उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना बात बराबर होती है, ठीक है सेम चीज है, ये चीज मैंने पहले ही बता दिया बाद में जैसे डाउट ना हो, ठीक है
तो अभी हम निकालते हैं ए क्या है, थ्री है, थ्री प्लस फोर अपन टू तो कितना हो जाएगा सेवन अपन टू, तो ये एक रेशनल नंबर निकल गया आपका। ठीक है, सेकंड रेशनल नंबर निकालेंगे, ये तो था आपका फर्स्ट रेशनल नंबर। तीन रेशनल नंबर हमें निकालना है, सेकंड हम कैसे निकालेंगे, ए को रखेंगे, ठीक है, ए प्लस जो निकला हुआ है, ठीक है, उसको ऐड करेंगे, तो ए कितना है थ्री प्लस क्या है सेवन अपन टू, ठीक है, डिवाइडेड टू, उसको और कैसे लिख सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई थ्री प्लस सेवन अपन टू, ठीक है मैम, ये वाला सही, मल्टीप्लाई यहाँ पे एलसीएम ले लो टू टू थ्री जा सिक्स प्लस सेवन, तो ये कितना हो जाएगा अभी हाफ मल्टीप्लाई सात से तेरह अपन टू, तो ये हो जाएगा थर्टीन अपन फोर, ये सेकंड रेशनल नंबर निकला। ठीक है, कैसे थर्ड हम कैसे निकालेंगे, थर्ड रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, ना ए प्लस ए को ऐसे रखेंगे, ठीक है, ए कितना है थ्री, थ्री प्लस जो सेकंड रेशनल नंबर निकला हुआ है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है, थर्टीन अपन फोर डिवाइडेड टू, उसको और हम कैसे लिख सकते हैं, ना हाफ मल्टीप्लाई थ्री प्लस थर्टीन अपन फोर, ठीक है, फिर से हाफ मल्टीप्लाई यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व प्लस थर्टीन, ये हो जाएगा आपका हाफ मल्टीप्लाई ट्वेल्व और थर्टीन, ये दोनों का ऐड करो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपन फोर, फोर टू जा एट ट्वेंटी फाइव अपन फोर, तो ये आपका क्या आया ना थर्ड, ट्वेंटी फाइव अपन एट आपका थर्ड रेशनल नंबर, तीन रेशनल नंबर पूछा था ना, फर्स्ट आपका निकला क्या ना सेवन अपन टू, सेकेंड आपका थर्टीन अपन फोर, थर्ड आपका ट्वेंटी फाइव अपन एट, मैम फोर्थ होगा मैम 49 अपॉन में 16 25 मैम 25 अपॉन 8 मैम यस मैम, इसका एक ये भी फॉर्मूला है ना मैम, मतलब जो फर्स्ट का जो आंसर है उसका दुगना ऊपर वाला माइनस 1 अपॉन में 2 और फिर इसका दुगना हो जाएगा ऊपर वाला 7 का दुगना होगा 14 तो 14 माइनस 1 तो मैम 13 अपॉन में 8 4 तो मैम ने तो वैसे तो किया है जैसे तुम बता रहे हो, आप क्या कह रहे हो अनुज, मैं समझ नहीं पता क्या कह रहे हैं अनुज, आप क्या कह रहे हैं, ये देखो ये मेथड से आपको समझ में आ गया है नहीं, बताओ a plus b by 2 मेथड, मैं ये लोग तो मैम आ रहा है ये था आपका चौथा मेथड, मैम एक बार और समझा दो, ये चार मेथड में आप कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आपको जो मतलब इजी लगे, ठीक है, ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।